नमस्कार दोस्तों, नीरू किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई बनाना दिखाऊंगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। ये मैंने इसके लिए मीडियम साइज़ के 3 ब्रेड लिए हैं। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा मिठाई है कई प्रकार का बना रही हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा इसका भी बनाऊंगी और आप लोग रेसिपी दिखाऊंगी। आप अपने घर पर उसको बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने तीनों ब्रेड ले लिया है। अब ब्रेड को ऐसे हम ये इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे जैसे सैंडविच बनता है ना, ऐसे हमको कट कर लेना है। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड लीजिए जो आप खाते हो। ये देखिए, सैंडविच की तरह इसको हम कट करके ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड एकदम बढ़िया से कट चुके हैं। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तेल में फ्राई करने पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा या फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ये हमको नुकसान करेगा, तैली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ब्रेड है, ये ज़्यादा तेल सोखता नहीं है। जब ये कुरकुरा हो जाएगा तो अपने आप तेल जो सोखा भी रहेगा वो निकल जाता है। तो इसकी मिठाई आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमें नुकसान करेगी, बहुत तैली नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी खाने में। तो दोस्तों, इसको हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई लाते हैं। ये हमारी स्लाइस जो है, इसको हम ऐसे से फ्राई कर लेंगे। और भी डाल दूंगी। धीरे धीरे हम इसको पलट पलट के एकदम बढ़िया सुनहरा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसे। देखिए, इसको अच्छे से एकदम अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। इसको हम एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम फ्राई करेंगे। ऐसे पलटते हुए हम इसको एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने भी ऐसा नहीं दोस्त कि ये बहुत ज़्यादा ये ऑयल ले रहा है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब क्रिस्पी हो जाता है, जो ऑयल देखिए, जो ऑयल था मेरे कढ़ाई में उतना है ही, तो ये ऐसा नहीं है कि इसने ऑयल को ज़्यादा ऑयल को सोख लेगा, ज़्यादा नुकसानदायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं इसको ऐसे धीरे से निकालूंगी। देखिए, ये निकल गया है। और जो और कुछ स्लाइस है इसमें मैं ये देखिए डाल दूंगी। ये इसको भी ऐसे पलट पलट के सेक लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने अपने स्लाइस को ऐसे निकाल लिया है। देखिए, ये इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। इसको टिश्यू पेपर में आप थोड़ा सा रख दीजिए तो और जो कुछ हल्का फुल्का तेल होगा वो भी निकल जाएगा ऑयल इसमें से। फिर इसको हम जो अपनी चाशनी बनाया है उसमें डिप करेंगे मीठा बनाने के लिए इसको। तो ये हमने कुछ इलायची के दाने ले लिए हैं। ये देखिए, इसके इलायची ले ली हूँ, इसके दानों को निकालूंगी और उसको मैं ये बेलन के मदद से ही इसको महीन पीस लूँगी और इसके बाद उसको अपनी चाशनी में डालूँगी। दोस्तों, मेरी चाशनी लगभग बन चुकी है। मैं उसमें जो पीसी हुई इलायची रखी थी मैंने, उसको मैं उसमें ऐड कर दूँगी, उससे चाशनी का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी चाशनी एकदम बन के रेडी है। हमने जो ये स्लाइस रखे थे फ्राई करके, ये देखिए, इसको हम इसमें चाशनी में डिप करेंगे ऐसे, और डिप करके ऐसे चम्मच की मदद से इसको हम पलट देंगे। पलट पलट के इसको हम अच्छे से चाशनी जो कि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसको ऐसे ऐसे हम ये भी डाल देंगे।
ये देखिए ये चाशनी में डाल दिए। ये खाने में मिठाई बहुत अच्छी लगती है, आप इसको बना के इसका टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। अब मैं दोस्तों जो हम चाशनी में स्लाइसेस डुबा के अभी निकाले थे उसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब ये बढ़िया से चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, आप गर्म भी खा सकते हो, बहुत लोग को ठंडा पसंद है तो ठंडा भी खा सकते हैं। ठंडे होने पे थोड़ा सा चीनी जो होती है जम जम जाती है, और गर्म रहने पे थोड़ा सा ये कुरकुरा तो रहता है लेकिन थोड़ा सा मुलायम मुलायम सा हो जाता है। इसको आप घर पे अपने ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि खाने में कैसा बना था।